दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। यही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों की कूटनीति में भी लागू होती है, यानी कि डिप्लोमेसी में। लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे होते हैं जो सामने रहकर खुलेआम दुश्मनी निभाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पर्दे के पीछे से छुपकर वार करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत देश के इन दोनों तरह के दुश्मनों के बारे में आपको बताएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले है मलेशिया। आप सोच रहे होंगे कि मलेशिया क्यों? मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का एक प्रगतिशील देश है। इस देश ने शुरू से ही डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन पिछले 8-10 सालों से यहाँ धार्मिक कट्टरता बहुत बढ़ी है, जिसके कारण ये पाकिस्तान जैसे देशों के समर्थन में आ गया है। भारत ने व्यापारिक मामलों में इंडोनेशिया से ज्यादा उसके पड़ोसी देश मलेशिया को तरजीह दी, लेकिन आज वही मलेशिया भारत की पीठ में छुरा घोंपने में लगा है। भारत और मलेशिया के बीच प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद भारत द्वारा वांटेड जाकिर नायक के प्रत्यर्पण को नामंजूर करना और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देकर मलेशिया ने भारत को बता दिया है कि भले ही वो पैसे हमसे कमा रहा है, लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान को ही करेगा। तो अब देखना यह है कि मलेशिया द्वारा शुरू की गई ये दुश्मनी आगे कहां तक जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है तुर्की। दोस्तों अतातुर्क कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इन्होंने जिस आधुनिक तुर्की का निर्माण किया था, आज वो तुर्की कहीं ज्यादा पीछे छूट गया है। अरब देशों पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में लगा तुर्की आज भी खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा समझता है, जिस कारण पाकिस्तान जैसा देश उसे अपना भाई और भारत दुश्मन नजर आता है। 1965 के बाद कई ऐसे मौके आए जब तुर्की ने यूएन में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया, लेकिन भारत फिर भी उसे हर बार नजरअंदाज करता आया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद तुर्की खुलकर भारत के विरुद्ध में उतर आया है, और अब देखना यह है कि भारत तुर्की को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की कूटनीति अपनाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए। दोस्तों इस नाम को सुनकर आप सभी हैरान हो गए होंगे, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती इस वक्त में पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में हम अमेरिका को भारत का दुश्मन क्यों बता रहे हैं? लेकिन अगर आपको इतिहास की अच्छी जानकारी हो तो आपको पता होगा कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है, और पाकिस्तान का समर्थन करते हुए ही कई बार भारत पर प्रतिबंध भी लगाया है। दोस्तों अमेरिका ऐसा देश है जो सबसे पहले अपना फायदा देखता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपने कहावत सुनी होगी, प्रत्यक्ष दुश्मन से ज्यादा खतरनाक छुपा हुआ दुश्मन होता है जो दोस्ती की आड़ में वार करता है, और अमेरिका भी 1960 से यही करता आ रहा है। अमेरिका पूरी दुनिया के सामने भारत को अपना दोस्त कहता है, लेकिन वो पाकिस्तान को हथियार देता है, जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में यूज करते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर युद्ध से पीछे हटने का दबाव डाला था, और नहीं मानने पर गेहूं का निर्यात रोक दिया था। 1974 और 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद भी उसने हम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। दोस्तों आज अगर अमेरिका दोस्ती की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुधर गया है, बल्कि उसने भारत में अपने देश की कंपनियों के लिए 130 करोड़ रुपए का मार्केट देखा है, जो उसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। अगर आज उसके हाथ से ये विशाल मार्केट छिन जाए तो आज ही वो भारत के खिलाफ हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर है पाकिस्तान। दोस्तों जहां तक मुझे लगता है पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, हमारे देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के बारे में जानता है। 1948, 1965, 1971 और 1999 की जंग में हमसे बुरी तरह मात खा चुका पाकिस्तान रोज बॉर्डर पर गोलीबारी और आतंकवाद की सप्लाई के जरिए भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान हमारा वो प्रत्यक्ष दुश्मन है जिससे हम दोस्ती की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और पांचवें नंबर पर है चीन। दोस्तों पाकिस्तान के अलावा चाइना भी एकमात्र ऐसा देश है जिससे हम युद्ध कर चुके हैं। उस युद्ध के बाद चीन भले ही हमारे साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, लेकिन असल में ये चीन के दिखावे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यूएन स्थायी सीट की बात हो या एनएसजी ग्रुप में शामिल करने की बात, हर जगह चीन अपने वीटो पावर का
दुरुपयोग करते हुए भारत का रास्ता रोकता है। दोस्ती का दिखावा करने वाला चीन पीठ पीछे वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, और यही कारण है कि इस वक्त वो भारत के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।